सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पापड़ 400 पीस आपने कब, कैसे और क्या सोचकर स्टार्ट किया? पापड़ 400 पीस हमारे ताऊ जी ने स्टार्ट करा था 1962 में, जब श्री 400 पीस राज कपूर जी की पिक्चर आई थी, श्री 400 पीस मूवी, उसी मूवी से इंस्पायर होकर उन्होंने नाम इसका 400 पीस रखा है। इस वेंचर को जब आपने आपके ताऊ जी ने स्टार्ट किया था और अभी आप इसको रन कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी सारे अप एंड डाउन देखने पड़े होंगे आपको, तो उनको आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था तब मैं भी 10th क्लास में ही था, तब हम लोगों ने स्टार्ट करा था और ये एक्चुअल में क्या है, पूरा फैमिली बिजनेस है हमारा, तो मतलब ताऊ जी से फिर इसको पापड़ इंडस्ट्री को हैंड ओवर करा हमारे फादर को, वो भी साथ में काम करते थे, तो ताऊ जी की रुचि फिर मशीनों में थी, तो वो मशीनों का काम देखने लग गए और पापा जो है हमारे पापड़ का काम थे, पापा से भी काम, उनका भी इंटरेस्ट कम था पापड़ के काम में, तो फिर उन लोगों ने हमारे जो ताऊ जी के बड़े बेटे थे नारायण अग्रवाल, उनको हैंड ओवर करा। ये सारी जो स्थितियाँ चली, मतलब बहुत छोटे स्केल पे, मतलब जब हम लोगों का एक कमरे का किराए का मकान होता था, ये पूरी स्टेज वही कंटिन्यू चलती रही। उसके बाद हम लोग भी बड़े हो रहे थे, हमारे बीच वाले ताऊ जी थे कैलाश चंद्र सिंह धनस्वर्गीय, उनके जो बेटे हैं राजेश सिंघा जी, फिर नारायण भाई के साथ वो काम पे लगे। उसके बाद 10th क्लास के टाइम पे जब मुझे भी काम करने की आवश्यकता थी और परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो सबसे पहले मैंने तो एक जॉब करा था 6 महीने, एक हमारे परिचित थे माहेश्वरी ड्रेसेस वाले, उनके यहाँ हम लोगों ने 6 महीने रेडीमेड का जॉब करा। फिर उसके बाद डिसीजन ये लिया कि वो फैक्ट्री, पापा का यह था कि रेडीमेड का हम लोग बिजनेस करें आगे भविष्य में, पर मुझे उसमें स्कोप नहीं लगा, तो मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर मैं ब्रदर के साथ आया इधर, हम लोगों ने काम करा कुछ समय, उसके बाद जस्ट पिताजी का ये कहना था कि यार अभी यार तुम्हारा जो बिजनेस है वो बहुत छोटा सा है, तो भैया के साथ भी पहले जॉब ही करा, तो पापा का डिसीजन था कि यार ये फैमिली बिजनेस है और अब हम तीनों भाइयों के एक एक लड़के हो तुम इस बिजनेस में, तो क्यों ना आज ही इसको तुम एक पार्टनरशिप का रूप दे दो। तो उस समय फिर हमने लगभग 90s के टाइम पे हम लोगों ने इसको पापड़ इंडस्ट्री का जो है तीनों भाइयों ने पार्टनरशिप कर ली कजिन को, आज भी हम लोग ये इंडस्ट्री तीनों भाई चला रहे हैं। और उसके बाद जो है जैसे ही हम लोगों ने पार्टनरशिप हुई, फिर एक लगता है कि अब अपन अभी तक जॉब कर रहे थे, जॉब के बाद दिमाग में आता कि नहीं यार कुछ करना है, तो रोज़ नए नए इनोवेशंस करते थे, कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते थे। कोशिश ये थी जब हम लोग 100 किलो पापड़ बनाने लग गए थे, इंदौर के कुछ कॉम्पिटिटर थे, बॉम्बे के कुछ लोग थे, वो लगभग 1 टन पापड़ बनाया करते थे तब, जब हम लोग 100 किलो थे, पर हम लोगों का ये था कि हम लोग भी 1000 किलो क्यों नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे ही ताऊ जी से ऐसे ही बातें करता रहता था मैं कि यार हमको भी 1000 किलो बनाना है, तो वो सब उस समय मजाक ही लगता था, क्योंकि पापड़ इंडस्ट्री बहुत टफ इंडस्ट्री है, मतलब आसान नहीं होता है कुछ भी चीज़ करना, पर हम लोगों ने प्रयास करे और इंदौर के अंदर, MP के अंदर हम लोग सफल हुए और काफ़ी अच्छा बड़ा बिजनेस हम लोगों ने खड़ा किया। वुमन एम्पावरमेंट की बात करें तो इस बिजनेस में भी काफ़ी सारी वुमन्स जुड़ी हुई होंगी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो पूरा पापड़ और व्यवसाय है ये टोटल महिला बेस्ड है। आज हम जिस इलाके में काम कर रहे हैं वो पूरा इलाका पहले जंगल हुआ करता था, जब हमने इंडस्ट्री डाली यहाँ पर 1997 में, तब उसके बाद यहाँ का जो आसपास का इलाका था फंक्शन कॉलोनी राजनगर, यहाँ सब गुंडे वगैरह इस टाइप के लोग रहते थे, और जब हमने रोजगार यहाँ देना चालू करा लोगों को, उन महिलाओं का
काफ़ी अच्छा हमको सहयोग मिला, यहाँ से गुंडागर्दी कम हुई, जेंट्स लोग भी कुछ पापड़ बेलने में इंटरेस्टेड रहे, उन लोगों ने भी करा। आज लगभग हमारे पास 1500 परिवार, महिला परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। और हम लोगों का उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि हम लोगों को आगे बढ़ाएं। हमारी फैक्ट्री के अंदर भी लगभग 300 लोग हैं, जिसमें लगभग 100 महिलाएं काम कर रही हैं। फिलहाल कंपनी का नेटवर्क कितनी कंट्रीज और स्टेट्स में? स्टेट की बात करें, मेजर हम लोग लीडर हैं MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान का कुछ पार्ट है आपका, महाराष्ट्र का विदर्भ पार्ट है, गुजरात है, दिल्ली है आपके नाम है, अभी हम लोग UP, बिहार, झारखंड में काम कर रहे हैं, उत्तरांचल, पंजाब, सभी जगह थोड़ी थोड़ी वर्किंग हमारी चल रही है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट नहीं है, हम लोग ने UAE में भी सप्लाई दिया है, न्यूजीलैंड दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, जर्मनी दिया है और USA दिया है। 420 के नाम से पापड़ स्टार्ट हुआ था, अब इस ब्रांड के नाम से और कौन कौन सी चीज़ें बाजार में बिक रही हैं? सबसे पहले हम लोगों ने पापड़ के बाद स्टार्ट किया था नमकीन। नमकीन हम लोगों ने अराउंड 2000 के आसपास स्टार्ट किया था। नमकीन एक हमने चालू करा, उसके जस्ट बाद हमें जो आपने क्वेश्चन पहले पूछा था कि बारिश के टाइम पे आपको बहुत समस्या जाती है लेबर की, तो हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना हम इंस्टेंट मिक्स का काम चालू करें। तो इंस्टेंट मिक्स में हमको जो लेबर हमारी फ्री बैठी रहती है बारिश में, उनको भी काम मिलेगा और हमें भी नुकसान कम होगा। तो हम लोगों ने इंस्टेंट मिक्स लॉन्च करा। फिर उसके बाद हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो है मसाला इंडस्ट्री चालू करी है, जिसमें हम सभी तरह के मिक्स मसाले, हल्दी मिर्ची, धनिया, पाव भाजी, छोले भटूरे मसाला, ये सभी चीज़ बना रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों का नया एक और प्रोडक्ट चालू हुआ है, जिसको बोलते हैं बेकरी प्रोडक्ट, जिसमें आता है रस्क, कुकीज, और फिर उसके बाद हम लोगों ने स्वीट्स भी चालू करे उसी में। और अब हम लोग जो है मार्केट में नया कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं, जिसमें हमने चालू करा है 420 बाइक्स, ये हम स्टोर डालने का प्लान कर रहे हैं और इसमें हम आगे भविष्य में फ्रेंचाइजी भी देंगे। हमने सुना है कि यहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल काम आते हैं, मोबाइल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उन सब के पीछे की जो 3 डिजिट है वो 420 है, तो क्या ये बात सही है, और अगर है तो ये सब आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, हमारे सभी नंबर्स मतलब स्टार्टिंग से ही 420 रहे हैं और गाड़ियों के भी नंबर हम लोग 420 से लेते हैं। एक आइडेंटिटी बन जाती है हमारी कि हमारा नंबर जब किसी को हम बताते हैं तो लास्ट डिजिट वो खुद ही गेस कर लेता है कि 420 होगा। तो ये हमारी हॉबी भी थी कि हम हमारे नंबर को क्यों ना वो करें, लोग डरते थे 420 से, कि आज जब हम लोग स्टार्टिंग में स्कूटर पे स्टेप नहीं चला जाती थी, तब हम लोग छोटे थे, तब पापा स्टेपनी के पीछे 420 लगा देते थे, मतलब स्टेपनी तो पीछे से आवाज लगाते थे, चिल्लाते थे, लोगों ने कह रहे 420 जा रहे आए तो घर आके हमको क्या है वो स्टेपनी उतार के पटक देते थे, फिर पापा फिर लगा देते थे, कुछ बोलते नहीं कि क्यों उतार दिया। पर धीरे धीरे हमको ही लगा कि यार अपना ब्रांड है, अपने को क्यों डरना किसी से, कोई अपन चोरी नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में आने लगी। तो फिर हर चीज़ में हम लोग 420 को मतलब प्रमोट करने लगे, उससे डर बिल्कुल बंद हो गया हम लोगों का, क्योंकि हमारा एक्चुअल में ब्रांड धीरे धीरे इस्टेब्लिश होते गया, लोगों के सामने हमने 420 के जो मायने हैं वो चेंज करे हैं, कि एक 420 का मतलब ये होता था कि आदमी धोखाधड़ी करता था, तो हम लोगों ने शुरू से हमारे ताऊजी पापा का यही उद्देश्य रहा कि हमको जो भी काम करना है वो ईमानदारी से करना है, किसी भी प्रकार से हमको किसी को धोखा नहीं देना है। आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, आप इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं तो ये सब कैसे मैनेज होता है? देखिए, हम ये समझते हैं कि एक
नया यदि हम देखें तो उसमें आज की तारीख में ये हो जाता है कि किसी भी बिजनेस को चलाने वाले MBA रहते हैं या कोई अच्छी पढ़ी करके आए हैं। हम लोगों का बैकग्राउंड शुरू से ही नॉर्मल परिवार का रहा, हमारी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हुई, तो हम लोग जो भी काम करा, रोज काम जब करते थे तो रोज उसमें कुछ नया 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 नयापन ऑटोमेटिकली आता था और उसको हम कोशिश करके मतलब सोचते थे कि क्या हम नया करें, कैसे करें। लोगों को देखते थे कि आज कोई ब्रांड किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, तो सीख सीख के हमने हमारे बिजनेस में उन सब चीज़ों को डाला। ये जरूर रहा हमारा कि हम आज जैसे बिलिंग प्रोसेस था, तो कंप्यूटर जब आया तो हम लोगों ने आज बहुत सारी इंडस्ट्रियों ने बहुत लेट कंप्यूटर, लेकिन हमने आते से ही उस चीज़ को एडाप्ट करा कि नहीं हम कुछ नया करें। तो जब जो चीज़ मार्केट में नहीं आई हम लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा और आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया। आपने बताया कि कंप्यूटर आया, आपने उस पर वर्क स्टार्ट किया, तो ऐसे ही अपने बिजनेस में आप और कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं? देखिए हमारी जो इंडस्ट्री रही शुरू से वो रही गृह उद्योग के रूप में होता है पापड़, तो इसमें मशीनों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता नहीं था। प्लस जो हमारे ताऊजी थे उनका रुचि मशीन बनाने में थी और उनके जो एक बेटे थे नरेश अग्रवाल वो भी मशीन रुचि नहीं रखते थे। तो हमारे यहाँ जितने भी मशीनें पापड़ के अंदर लगती हैं वो सब हमारे यहाँ इन हाउस ही भैया ने और ताऊजी ने ही बनाई है। लेकिन समय की मांग थी तो हम लोगों का भी उद्देश्य ये था कि कुछ काम को बढ़ाया जाए, तो हम लोगों ने भी टेक्नोलॉजी को लेते हुए कुछ मशीनें परचेस करी मार्केट से। आज हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन से पापड़ मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, जो बारिश की समस्याओं के लिए है कि बारिश में हम लोग अब ड्रायर पे भी आए हैं, तो रेगुलर कुछ ना कुछ मशीनें की जो हजार रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो हम लेते जा रहे हैं। कोशिश यही रखते हैं कि लेबर को कम नहीं करें, मशीनें जरूर बढ़ाएं पर लेबर भी बढ़ाएं। अपने कस्टमर्स का फीडबैक बताइए कि कस्टमर्स कैसे हैं आपके और उनका फीडबैक कैसा रहा अभी तक का? कस्टमर का फीडबैक हमारा पॉजिटिव रहता है हमेशा, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यदि दालों के रेट बढ़े तो हमने हमारे रेट पर बढ़ाए। लोगों का जरूर उस समय ये रहता था कि यार आप रेट बहुत बढ़ाते हो, पर हम सभी को ये ही बताते हैं कि देखिए दालों में रेट बढ़े या काली मिर्ची में रेट बढ़े या हींग में रेट बढ़े तभी हम रेट बढ़ाते हैं। रेट बढ़ाने से हम आपको एक ही फायदा देते हैं कि हम आपको साल भर एक जैसा टेस्ट देते हैं, हम हमारी रेसिपी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करते। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक कॉम्पिटिटर की बात की थी, तो उस टाइम आप 100 किलो पापड़ बनाते थे और आपके एक कॉम्पिटिटर ज़्यादा बनाते थे, तो फिलहाल की स्थिति में आपकी 420 जो ब्रांड है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो अभी आपके कॉम्पिटिटर कौन है? अभी ऐसे इंदौर में तो MP में तो हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, बाकी नेशनल लेवल पर हम बात करें तो लिज्जत पापड़ ही एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम करती है, लाखों परिवारों को रोजगार दे रही है। हम भी यही चाहते हैं कि हम भी उसी तरीके से कुछ काम करें और आगे बढ़े। यहाँ तक पहुँच चुका है 420 ब्रांड और करोड़ों रुपए का ब्रांड बन चुका है, तो अब आगे आप इसे और कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? अभी हमने जितने भी नए वेंचर चालू करे हैं, नमकीन मसाला, इंस्टेंट मिक्स, बेकरी, स्वीट्स, अब इन्हीं चीज़ों को हम लोगों को जो है स्टोर के माध्यम से 420 बाइट से एक हमने ब्रांड एस्टेब्लिश करा है, उस स्टोर के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि हम इंडिया में हर शहर के अंदर हमारा एक स्टोर खोलें। आपने और आपकी फैमिली मेंबर जितने भी थे उन्होंने काफ़ी मेहनत से इस ब्रांड को तैयार किया, तो आज की जनरेशन के लिए ये एक संदेश है, तो आप आज की जनरेशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? हमारी फैमिली में देखा जाए तो मतलब मेरे दादी से लेके मम्मी तक ने पूरा हाथ से काम किया है, इवन हम लोगों ने लगभग 2000 तक हम लोग खुद एज अ वर्कर काम करा। उसके बाद हम लोगों ने जब धीरे धीरे डिपेंडेंसी थोड़ी सी हम लोगों ने वर्करों पे डाली,
पहले हमको डर रहता है हमेशा कि क्वालिटी हमारी ख़राब नहीं हो जाए, तो हम लोग का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हम लोग रखते थे। पर जब आपको कॉन्फिडेंस आता जाता है कि अब आपके ये लोग जो आपके नीचे की चैनल है वो परफेक्ट है, अच्छा काम कर सकती है, तब जाके हम लोगों ने उन पर काम उनको सौंपा और धीरे धीरे काम देते देते अब हम लोग जो है नए काम के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, मार्केटिंग में देख रहे हैं, सेल्स टीम पे फोकस रहता है हम लोगों का, एडवर्टाइजिंग को लेकर रहता है, तो इन सब चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाती है। प्लस मार्केट में जो कॉम्पिटिटर ब्रांड है उनके क्या रेट्स हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, उन सब चीज़ों पर फोकस करना। एज अ बिजनेसमैन आप यंग जनरेशन के लिए क्या बोलेंगे कि उन्हें कैसे करना चाहिए, अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करना चाहिए? यंग जनरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि कोई भी ब्रांड या कोई भी आदमी एक दिन में अमीर भी बन सकता है ना बड़ा बन सकता है। उसको एक टाइम देना पड़ेगा, जैसे हम एक पौधा लगाते हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो ख़राब भी हो जाता है। उसी तरीके से ज़्यादा लालच या अपने कार्य को कम ध्यान देना, तो आपको हमेशा हर अपने कार्य की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। साथ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हर व्यक्ति के लिए ईमानदारी, ईमानदारी से आप काम करेंगे आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.